गए वक्तों का एक किस्सा याद आ गया। तकरीर के आखिर में आपको किस्सा सुना दूं। एक बादशाह का इंतकाल हो गया, तख्त पर झगड़ा पड़ा। फैसला हुआ कि सुबह शहर के दरवाजे से जो पहला शख्स दाखिल होगा बादशाह बना देंगे। अलग सुबह एक फकीर कशकोल और डंडा थामे शहर के दरवाजे पे आवारित हुआ, बादशाह बना दिया गया। पड़ोसी बादशाह को खबर हुई, उसने सोचा हुकूमत कमजोर है, मौका अच्छा इन पर हमला करती। बादशाह को खबर दी गई, बादशाह ने कहा खीर पकाओ खीर। सबने खीर पकाई, खुश होकर खाई। फिर पता चला दुश्मन की फौजें बॉर्डर पर आ गईं, बादशाह ने कहा खीर पकाओ खीर। फिर खीर पकाई गई। फिर खबर आई कि हमारी फौजों को शिकस्त हो गई, फिर खीर पकी। इसी तरह खबरें आती रहीं, खीर पकती रही, यहां तक कि बादशाह की फौजें शहर में दाखिल हो गई। तो बादशाह सलामत ने फरमाया, लाओ मेरा कशकोल और डंडा, मैं तो खीर खाने आया था, मैं चला, तुम संभालो अपनी हुकूमत। तो ऐसे ही है कुछ हमारे हुक्मरानों का हाल और उस एतकाद की कैफियत जो हम इन हुक्मरानों पर रखते हैं। अभी दुश्मन की फौजें हमारे शहर तक नहीं पहुंची, अभी खीर खाएं। अमेरिका ने हमारे मामले में इतना सब्र इसलिए किया हुआ है, एक तो हमारी हुकूमतें उनसे हर किस्म का तावुन करती रही, दूसरे ये कि हम अल्लाह के शुक्र से एटमी ताकत हैं और हमारे मामले को बहुत एहतियात से निपटाया जा रहा है। वरना क्या पिद्दी का शोरबा, हम कहीं के ना रहते। जब अमेरिका यहां से अपने ठिकाने निकालने पर मजबूर हो जाएगा, अभी उसका वक्त नहीं आया, तो इस खित्ते में आग लगा देगा। इस्लाम पसंद कुव्वतें सेकुलर निजाम से टकराएंगी। अमेरिका हमारे मुल्क में इंतशार भी फैला रहा होगा और हुकूमत का साथ देने के लिए भी खड़ा होगा। हिंदुस्तान की फौजें हमारे बॉर्डर पर बैठी होंगी ताकि मुल्क में फौज के हाथ कमजोर करके अंदरूनी खाना जंगी की आग को और बढ़ाया जा सके। खून बहता रहेगा, अंजाम क्या होगा अल्लाह बेहतर जानता है। इसका हल सिर्फ यह है कि एक बाशऊर मुतवाजन और मोहब्बत भरा दीन का निजाम पहले ही कायम कर लिया जाए, यही हमारी निजात का वाहिद जरिया है। अमन मुजाकरात में कुछ नहीं, सिर्फ एक ढोंग है। मुल्क की ताकतवर कुव्वतों को आज ये सोचना होगा, अभी भी हमारे पास वक्त है, इसे खीर खाने में जाया न करें। जज़ाकअल्लाह।